फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर फ्रेंड्स आप बीटेक करना चाहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग से, या आप सोच रहे हैं कि आप बीटेक करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए। उससे पहले फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे का रेड बटन दबाकर, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि घंटी नहीं दबाएंगे तब तक आपको कोई वीडियो की जानकारी ईमेल के थ्रू नहीं मिलेगी। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के से सोच रहे हैं बीटेक करना 12वीं के बाद, तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर रसायन के प्रयोग व उसके कंसेप्ट को समझने व इस क्षेत्र में नौकरी करने का मौका आप आसानी से पा सकते हैं। और अच्छी तरह से आजकल दिन पर दिन कई नई इंडस्ट्री खुल रही है, जहां केमिकल इंजीनियरिंग की काफ़ी मांग रहती है और केमिकल इंजीनियर्स की भी काफ़ी मांग रहती है। यदि आप पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो आप इस शाखा से एमटेक या एमबीए के बारे में विचार करें, यानी एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या एमबीए इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसके देश और विदेश में ही नहीं, आपको सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी मिलेगी। यानी केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आप बीटेक एमटेक या एमबीए कर लेते हैं, तो आपको इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी आपको अच्छी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप सरकारी क्षेत्र में जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो डीआरडीओ, ONGC और IOCL में जाकर आप, जो कि महारत्न कंपनियां हैं, उसमें जाकर आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा BPCL में जाकर भी आप काम कर सकते हैं। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट इत्यादि में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। डिग्री लेने के बाद आप राज्य व केंद्र स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। और अगर आप निजी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो पेट्रोकेमिकल सेक्टर, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, सीमेंट फैक्ट्री इत्यादि में जाकर भी आप अच्छा खासा जॉब ढूंढ सकते हैं और अपना अच्छा खासा अर्न कर अपना करियर बेहतरीन बना सकते हैं, साथ ही अपने परिवार का भी केयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।